رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي। अब तीसरा नवाक़िज़े इस्लाम में से तीसरा जो है वो है कि मुशरिकीन के आमाल में शुबह करना, उनको सही जानना और उनको जायज़ समझना या मुशरिकों को अमल करता हुआ, शिर्क का अमल करता हुआ देखकर उन्हें जायज़ समझना या उन्हें सही समझना, ये भी नवाक़िज़े इस्लाम में से है। तो आपको शिर्क का बरात करना, शिर्क से बरात का इजहार करना ये बहुत ज़रूरी है। तो इस बारे में हमें और आपको मालूम होना चाहिए कि इस्लाम का एक अहम पहलू जो है वो इताअत और बंदगी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के इताअत और फर्मा बरदारी ही यही इस्लाम है। सर तस्लीम खम कर दें। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शिर्क को सबसे बड़ा गुनाह कहा है तो हम उसे समझें और उसके करने वाले को बुरा समझें और जो उस रास्ते पर चलता है उस रास्ते को गलत समझें। यही इस्लाम है और यही इताअत है, यही फर्मा बरदारी है और यही बराअत है। तो लिहाजा हमें और आपको क्या चाहिए? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, फ़मन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह, कि जिसने भी तागूत का इनकार किया और अल्लाह पर ईमान लाया। तो तागूत के इनकार में तागूत यानी मुशरिकों, शिर्क और मुशरिकों के अमल, दोनों से इनकार करना है, दोनों से हमें दूरी बनाए रखनी है। फ़क़द इस्तमसक बिलउर्वतिल वुथ्क़ा ला इंफ़िसाम लहा, तो गोया कि उसने मजबूत सहारा पकड़ लिया है और वो कभी जुदा नहीं होगा। तो लिहाजा हमें और आपको चाहिए कि हम मुशरिकीन के आमल और शिर्क किया जितने भी आमाल हैं हम उसको मज़मूम, उसकी मज़म्मत करें और उसको मज़मूम जानें और इस हरकत को हम जायज़ न समझें, न सही समझें, न अहले शिर्क जो काम करते हैं हम उनको सही ठहराने की कोशिश करें। अगर हम ऐसा करते हैं, उनके मज़हब को सही समझते हैं, उनके रास्ते को सही समझते हैं, शिरकिया आमाल को सही समझते हैं, तो यकीनन ये भी नवाक़िज़े इस्लाम में से है।